नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि वोकल फॉर लोकल एंड देन देन टेक दिस एवरीथिंग टू द ग्लोबल, तो एक्चुअली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया लेवल के ऊपर, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ऑलरेडी एक्सपोर्ट में है, पर आपण त्याला फार जास्त महत्त्व दिलेलं नाही, ते प्रकाशाचा जोतात आलेलं नाही आहे. बट आज आज घडीला 35% या देशाचा जो एक्सपोर्ट होतो तो स्मॉल इंडस्ट्री करत आहे, हे आपण एक सर्वांनी हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. आणि माझ्यासारखे हजारो उद्योजक आहे जे मागच्या 25-30 वर्षापासून एक्सपोर्ट वाढवायसाठी झटत आहे, सक्सेसफुली करत आहे, पण त्यांना जसं गव्हर्नमेंटचं पाठबळ भेटलं पाहिजे तेवढं पाठबळ अजून भेटलेलं नाही. एकदा गव्हर्नमेंटचं पाठबळ इंडस्ट्रीला भेटायला लागेल ना, तर मला नाही वाटत की आपला जो उद्योजक आहे त्याला ग्लोबल जायसाठी फार काही जास्त मेहनत घ्यावी लागेल तसं नाही आहे. पाठबळ म्हणजे नेमकं कोणकोणत्या स्वरूपाचं पाठबळ आपल्याला अपेक्षित आहे? सर्वात महत्त्वाचा जो पाठबळ आहे ना, तो पाठबळ हे आहे की नॅशनल ग्रोथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, यह गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करना चाहिए. जब मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तब मेरा बेसिक कहना यह है कि जैसे हमारे सैनिक बॉर्डर पे लड़ते हैं, जैसे हमारे सैनिक बॉर्डर पर लड़ते हैं और चाइना की सेना को जब वो पीछे धकेलते हैं, हाँ, तो हमें बहुत खुशी होती है. हाँ, तो दैट इज अ टेरिटोरियल वॉर. वैसा ही देर इज अ वॉर फॉर मार्केट. और जैसे सैनिक टेरिटोरियल वॉर के सैनिक है, वैसे स्मॉल इंडस्ट्री जो है ना, यह मार्केट वॉर के सैनिक है. हमें स्मॉल इंडस्ट्रीज को एक वॉरियर का और सैनिक का दर्जा देना पड़ेगा. मैं 25 साल से इंडस्ट्री चलाता हूं, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है, ब्यूरोक्रेसी है, उनकी मेरे तरफ देखने की नजर जो है ना, कभी वॉरियर्स की नजर नहीं रही है. एक्चुअली दे टेक स्मॉल इंडस्ट्री के भाई ये कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज डेफिनेटली करते होंगे, यही मानसिकता से एक्चुअली सभी हमारी ब्यूरोक्रेसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरफ देखती है. सबसे पहले तो जो मोदी जी के माइंड में है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को साथ में लेकर हम ये देश बना सकते हैं करके, यह भावना जो है हमें सारी गवर्नमेंट की एजेंसी में वो भावना लाना पड़ेगी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज आवर पार्टनर, ये हमारे पार्टनर्स है. मैं इतने साल से एक्सपोर्ट करता हूं, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऑफिसर ने आके कहा होगा कि यार थैंक यू वेरी मच, आप देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हो, यह तो कभी मुझे किसी ने कहा नहीं है. बट यह डेफिनेटली कहा है कि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको ऐसी पेनल्टी लगेगी, आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको ऐसी पेनल्टी लगेगी. यानी हमारे ऊपर जो है ना, देखने का जो नजरिया जो है ना, यह पार्टनर्स इन ग्रोथ, यह जब तक हम नजरिया नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों का जो ट्रू पोटेंशियल है, इनमें ट्रू पोटेंशियल है, यह पोटेंशियल को हमारे को बाहर
बाहर निकालना है एक्चुअली। तो हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरफ देखने का नजरिया जो है ना, जैसा प्राइम मिनिस्टर का नजरिया है ना, वैसा एक ऑफिसर का भी नजरिया रहना चाहिए कि नहीं, यस यह यूनिट जो है ना, यह डेफिनेटली देश के काम आ रहा है। हाँ, कहीं मैं चोरी करता हूं, ऑफ कोर्स लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू एवरीबडी एक्चुअली। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी एग्जम्पशन फ्रॉम एनी लॉ, बट आई एम, मुझे पॉजिटिव नजर से देखो, इनको सबको पॉजिटिव नजर से देखो, बहुत पोटेंशियल है।